अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है मेरी फ्रेंड्स। आए जी, आज कलेजी बनाने का आपको एक स्पेशल तरीका बताती हूँ, जिसके साथ कलेजी की बिल्कुल भी स्मेल आपको नहीं आएगी और ये बड़ी मज़ेदार बग़ैर पानी के बनेगी। मैंने एक पूरा लहसुन छिलकों समेत कूट लिया है मोटा मोटा, और इसको मैंने कलेजी के ऊपर लगा दिया 15 मिनट के लिए, और इसके बाद मैं इसे वॉश करूँगी। मैंने इस कलेजी में फिफरा नहीं शामिल किया, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डाल सकती हैं, मुझे नहीं पसंद इसलिए नहीं डाला। अब ये 15 मिनट के बाद हम इसको वॉश कर लेंगे और बाकी का ये सारा मसाला डाल के इसे मैरिनेट कर लेंगे, जिसमें मैंने 10-12 हरी मिर्चें, काली मिर्च, दड़ा मिर्च यानी कि मोटी कुटी मिर्च, और चाट मसाला एक एक टीस्पून, ये सब चीज़ें ले ली हैं, और 1 कप मैंने दही का ले लिया है। इन सब चीज़ों को दही में कलेजी के साथ डाल के इसको हम मैरिनेट कर देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, लेकिन अगर आप इसको फ्रिज में नहीं रखना चाहते हैं तो फौरी तौर पर भी बना सकते हैं। वैसे अगर इस तरह 15 मिनट 20 मिनट रखेंगे तो मसाला बड़ी अच्छी तरह कलेजी के अंदर अच बस जाएगा। अब मैंने इस तीन प्या सॉरी टमाटर ले लिए हैं और एक मैंने प्याज ले लिए हैं। ये ले जी आ गए, 1 प्याज से 3 टमाटर, लहसुन अदरक का 1 बड़ा टेबल स्पून बन जाएगा, ये मैंने पीस लिया है मोटा मोटा। और इन चीज़ों को डाल के मैं मसाला बनाती हूँ, और कलेजी जो मैरिनेट कर दी है वो इसके अंदर डाल के आपके पास दोबारा आती हूँ। हाँ जी जी मैंने मसाला वो बना लिया था लहसुन अदरक और टमाटर का। ये मैंने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, हल्का सा पिंक करने के बाद मैंने उसमें टमाटर डाल दिए थे, और उसके अंदर कलेजी वाला बॉल जो हमने मैरिनेट करके फ्रिज में रखा था वो डाल दिया जी, उसके अंदर शामिल करके 15 मिनट के बाद मैंने ये इसका ढकना खोला, तो माशाल्लाह कलेजी बड़ी अच्छी तरह अपने ही पानी में बड़ी अच्छी तरह गल चुकी है और बड़ी ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब इसका पानी थोड़ा अगर आप ड्राई करना चाहती हैं तो और कर लें, और जितना मसाला रखना चाहती हैं वो रख लें। 1 बड़ा टेबल स्पून मैंने ये सूखा धनिया दड़ा लकड़ के मोटा मोटा कूट के यानी कि उसके ऊपर डाल दिया, इसकी बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है। लेजी कलेजी माशाल्लाह से रेडी है, अपने ही पानी में अच्छी तरह गल चुकी है और दही का पानी भी खुश्क हो गया। गर्म मसाले की 1 चम्मच भर के मैंने इसके ऊपर डाल दी है। ले जी माशाल्लाह से ये डिश आउट आपको करके दिखाते हैं ये कैसी लगती है। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और दुआओं में याद रखिएगा जी। ये बड़ी ही मज़ेदार कलेजी है, और जिन बहनों ने मेरा चाट मसाले की रेसिपी देखी है उसमें प्लीज़ काला नमक डाल दीजिएगा, 1 टीस्पून मैंने वो मिस कर दिया था। तो लें जी ये डिश आउट कर दी है मैंने माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये हमारी कलेजी का बॉल ये तैयार है। अल्लाह हाफिज़।